पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, सम्मेलन स्थल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत किया। क्वाड शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, सभी मसलों का चाहते हैं शांतिपूर्ण समाधान। क्वाड समिट में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, हमारे क्षेत्रीय भागीदारों को मिलेगी नई समुद्री तकनीकें। सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनी ने कहा, भारत प्रमुख शक्ति है। बाइडेन बोले, भारत के अनुभव से सीखने की जरूरत। क्वाड नेताओं ने की भारतीय महासागर में भारतीय भूमिका की तारीफ। सूत्रों के मुताबिक जापान ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की पहल का समर्थन किया। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई। बाइडेन ने पीएम मोदी के पोलैंड यूक्रेन दौरे की तारीफ की। पीएम मोदी बाइडेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर बातचीत हुई। वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर भी मंथन हुआ। पीएम मोदी का अमेरिका में हुआ भव्य स्वागत। पीएम के स्वागत में बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई। पीएम मोदी यूएन में भविष्य के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जंगलों में सुरक्षा बल चला रहे हैं तलाशी अभियान। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, जंगल में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा सर्च ऑपरेशन, शुक्रवार शाम चसाना इलाके में हुई थी आतंकियों से मुठभेड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज जम्मू कश्मीर में रैली, नौशेरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पुंछ, जम्मू, रजौरी में रैली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू में जनसभा करेंगे, ग्रेटर कैलाश इलाके में रोड शो। जम्मू में खड़गे ने कहा, हमेशा झूठ बोलती है बीजेपी, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की पूरी कोशिश होगी। कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव प्रचार में बड़े नेता उतारे। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की हरियाणा में दो जनसभाएं। आज हरियाणा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तीन सभाएं, नवराणा, राय और असांध में जनसभाओं को संबोधित करेंगे योगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस से नाराज हैं सैलजा। सैलजा को खट्टर के ऑफर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा वो हमारी चिंता ना करें, पहले अपना घर संभालें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुमारी सैलजा के बहाने कांग्रेस को घेरा, कहा दलितों का अपमान करना कांग्रेस का रिवाज सा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद से आगे नहीं सोचती। कुमारी सैलजा को बीजेपी का ऑफर देने पर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह बोले, बीजेपी झूठ की दुकान है। कुमारी सैलजा के मामले पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सारे नेता मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। आप नेता संजय सिंह ने दावा किया, केजरीवाल के हाथ में होगा हरियाणा की अगली सरकार का रिमोट। चंद्रशेखर आजाद को लेकर के बीएसपी नेता आकाश आनंद बोले, हमारे मतदाता बहुत समझदार हैं, वो बहन जी के साथ खड़े हैं। हरियाणा में बीजेपी को फिर लगा झटका, पूर्व मंत्री कांता देवी ने कांग्रेस ज्वाइन की। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी, चुनाव आयोग का 23 को झारखंड और 26 सितंबर को महाराष्ट्र दौरा। बीजेपी के आरोपों पर बोले राहुल गांधी, झूठ फैला रही है बीजेपी, मुझे चुप कराना चाहती है। राहुल ने पूछा, क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां सिख और भारतीय बिना डर के अपने धर्म का पालन कर सके। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राहुल गांधी को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गांधी परिवार को बताया आरक्षण विरोधी, कहा डीप फेक से बीजेपी नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।
कांग्रेस में फेरबदल, शुभंकर सरकार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कमान, एम के भारद्वाज, भानु प्रसाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष। अधिक काम की वजह से प्रतिष्ठित कंपनी की कर्मचारी अन्ना सेबेस्टियन की मौत का दावा, राहुल ने परिजनों से बात की। यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल का अखिलेश राहुल पर विवादित बयान, अखिलेश को बताया कंस का अनुयायी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मांग, सनातन धर्म से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। तिरुपति प्रसादम मामले में सीबीआई जांच की मांग, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला। तिरुपति के लड्डू प्रसाद में एनिमल फैट का मामला, मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जांच के लिए एसआईटी का गठन कराने की मांग। महाराष्ट्र में मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर सियासत तेज है, आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में एक डरपोक सीएम। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा लालू परिवार ने गरीबों को लूटा है, ऐसे में क्या उनका स्वागत होगा। केजरीवाल दिल्ली की सभी विधानसभा में लगाएंगे जनता की अदालत, आज जंतर मंतर से इसकी शुरुआत होगी। आज दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का धरना, कनॉट प्लेस में बीजेपी नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। आतिशी ने दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। आतिशी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए केजरीवाल और सिसोदिया, शपथ लेने के बाद केजरीवाल के पैर छूकर आतिशी ने आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण के बाद बोली आतिशी, बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र किया लेकिन वो टूटे नहीं, हमें केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले कैलाश गहलोत ने कहा अरविंद केजरीवाल हमारे नेता, केजरीवाल के विजन को लागू करेंगे। इमरान हुसैन मंत्री ने कहा कि केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली सरकार में हुआ विभागों का बंटवारा, सीएम आतिशी के पास वित्त शिक्षा सहित कुल 13 विभाग। गोपाल राय बने पर्यावरण मंत्री, कैलाश गहलोत को परिवहन, इमरान हुसैन को खाद्य नागरिक आपूर्ति, मुकेश अहलावत के पास श्रम और SC ST डिपार्टमेंट। देश के कई राज्यों में आज भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किए गए। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी, दूसरी जगह शिफ्ट होने को मजबूर हुए लोग। पटना के निचले क्षेत्र में नाव के सहारे आवाजाही हो रही है, लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पटना में किसानों पर पड़ी मौसम की मार, बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। बिहार के भागलपुर में शहर में बह रही है नदी गंगा, नदी का पानी शहर के भीतर घुसा, सड़क पर कई फीट पानी, शहर के अंदर चलने लगी है बोट। भागलपुर में जहां तहां बाढ़ का सितम है, शहर के दूसरे मुख्य स्थानों पर भी जलभराव, दर्जनों मोहल्लों में गंगा नदी का पानी और बाढ़। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से बेहाल हुए लोग, कई इलाके में बाढ़ के पानी में डूबे, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए लोग। नदी का जलस्तर बढ़ते ही कई इलाके में बाढ़ की स्थिति, खगड़िया के जिला प्रशासन ने शुरू किया कम्युनिटी किचन। भारी बारिश की वजह से बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम, 400 रुपए किलो मिल रहा है हरा धनिया। बहराइच में खत्म नहीं हो रही भेड़िये की दहशत, चीनी मिल के पास दिखे दो भेड़िये, एक ने घर में बंधी बकरी का किया शिकार। 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीसानंदा ने अपनी टिप्पणी पर दुख जताया, खेद किया जताया, समुदाय विशेष पर टिप्पणी करना मकसद नहीं था। आगरा के वकील ने अपने किडनैपर्स को कोर्ट से दिलाई सजा, 2007 में किया गया था अपहरण। गुजरात में देवी का प्रकोप दिखाकर ठगे 30 लाख रुपए, एक आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव, 70 लोगों की तबीयत बिगड़ी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में बैंक्वेट हॉल में लगी आग, आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में पान मसाला फैक्ट्री में आग, 300 कर्मचारियों को रेस्क्यू किया गया, लाखों के नुकसान की आशंका।